वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। एंड दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत जल्दी मेरे लिए। आज मेरी हाउस हेल्प ने बोला था कि वो आज छुट्टी मारेगी, बट सडनली शी कॉल मी एंड शी सेड शी वॉन्ट्स टू कम अर्ली। तो मैंने जो भी प्लानिंग करी थी मेरी सारी हॉच पॉच हो गई। माई डे स्टार्टेड इवन मोर अर्लियर। यहाँ पे लग चुका है कुकर एंड दाल बॉइल होने के लिए रख दी है। आज बन रहा है सांबर, उसके लिए ये सब सामग्री भी कट कुट करके सब कुछ रेडी है। सीटी लगने वाली है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट हम दोनों ने कर लिया है, दैट्स माय कुकर की सीटी। साथ साथ में चल रहा है ज्योति का व्लॉग, वी आर वॉचिंग ज्योति एंड कमल। ये तो हमारा रेगुलर रिचुअल है। एंड फाइनली कुणाल हैज डिसाइडेड टू पुट द दिवाली लाइट्स। मैं इस इंसान को पिछले 10 दिनों से बोल रही हूँ लाइट्स लगा दो, लाइट्स लगा दो, लाइट्स लगा दो। एंड कल इतनी बार बोलने के बाद लाइट्स बाहर निकली एंड फाइनली ही इज गोइंग टू बी सेटिंग अप द लाइट्स। तो ये जो भी कार्यक्रम है, डेकोर ऑफ द हाउस, डस्टिंग तो मैंने काफी सारी डीप क्लीनिंग कल कंप्लीट कर ली थी, बट लाइट्स लगाना एंड घर पे थोड़े से फ्लावर्स लगाना, द डेकोरेशन फॉर दिवाली, वो सब मेरी प्लानिंग है कि हमारी हाउस हेल्प के आने से पहले हो जाए। तो जो भी कचरा नीचे गिरेगा, यू नो, शी कैन जस्ट टेक इट अप। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर के बाद, बिकॉज आई हैव टू गेट माई सांबर एंड इडली रेडी। एंड मेरा ये जो सांबर है इसकी वेजीज भी मैंने यहाँ पे फ्राई करना शुरू कर दी है। दाल मेरी बॉइल हो चुकी है, इमली का पानी भी रेडी है। हमारे प्लांट्स को भी फाइनली बहुत अच्छी सनलाइट मिल रही है। आज वेदर भी अच्छा है, द सन इज आउट। कुणाल इज एट हिज जॉब गेटिंग द लाइट्स फिक्स्ड। कुणाल कब तक हो जाएगी? 10 मिनट 15 मिनट, मैं आराम से लगा रहा हूँ ना, नहीं तो जल्दी जल्दी लगाना है काम हो तो धप 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 5 मिनट में भी हो जाए। एंड ये है बाकी के घर का सिचुएशन इस टाइम पे। मैंने सारे सोफे, सारे मतलब दोनों सोफाज आगे खींच लिए। इसके पीछे से अच्छे से क्लीनिंग होनी है। आई हैव क्लीन्ड दिस मिरर्स पिक एंड स्पैन। अब कुणाल करेगा वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ दी सोफाज। ये सारी चीज़ें हम कल अपनी अपनी जगह पे रखेंगे या इनकी जगह पे दूसरी चीज़ें रखेंगे। लैम्प भी वहाँ से हट गया है, आई हैव क्लीन्ड इट नाइसली। एंड ये हमारी लाइट्स, काम फुल स्विंग में चल रहा है। 10 मिनट से ज्यादा हो गए, इट्स बीन हाफ एन आवर। कुणाल लाइट्स हो गई, कुणाल गेटिंग द जॉब डन फिक्सिंग द लाइट्स। यू नीड सम हेल्प कुणाल? फाइनली आवर फ्लावर्स आर आउट। ये है फेक फ्लावर्स, मारी गोल्ड, इसको गेंदे के फूल बोलते हैं ना कुणाल? ये हमने आफ्टर वी गॉट मैरिड, हमने पहले साल में जाके बहुत ढूंढे थे, बड़ी मुश्किल से मिले थे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ अभी तो इतना कॉमन है ये। कुणाल रिमेम्बर जब हम इसे ढूंढने गए थे 3 या 4 साल पहले, हमें कहीं नहीं मिल रहे थे लोकली, हम कहाँ कहाँ भटके थे टू गेट इट, रिमेम्बर? जो बहुत रियल लगते हो। बहुत यार, दे लुक वेरी रियल। मतलब ये लगाते ही कोई नहीं बोल सकता कि ये फेक है। जब भी कोई घर में आता है दे एक्चुअली फील कि ये रियल फ्लावर्स है। काश इसमें से खुशबू भी वैसे ही आती है। तो सेंट मार लो, परफ्यूम मार लो। प्लास्टिक की खुशबू आ रही है। एंड ज्योति एंड कमल अभी भी हमारे टीवी पे पॉज हो चुके हैं, वो भी हमको लाइव क्लीनिंग करते वक्त देख रहे हैं। ये मेरा सांबर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस इसको 5-10 मिनट में सिम पे पकाऊंगी। अब चलते हैं कुणाल के पास। गुड जॉब। द लास्ट लड़ी, गुड जॉब। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर डेकोरेशन हो गया है कंप्लीट, कर्टेसी कुणाल, थैंक यू वेरी मच। इन टाइम हो गया है सब कुछ। आज हमारा आधा दिन नहीं गया, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक ये दो हम निकाल देंगे फॉर दीपावली। कुणाल इसके बीच में भी एक लग सकता है, लेट्स सी। घर लुक रहा है। घर दिख रहा है, लुका। स्टॉप इट कुणाल, घर दिख रहा है बहुत बहुत सुंदर। थोड़ा सा मेस्ड अप है अभी भी, मतलब चीजें अपनी जगह पे जाना है एंड वैक्यूम क्लीनिंग अभी भी बाकी है। देखो हमारे घर पे कौन आया है, मिस खुशबू तिवारी।
और लाई है हमारे लिए, बता तो सही क्या है, लिट्टी चोखा। वाओ यम्मी, हरी चटनी। मैंने ना एक्चुअली ये पहले कभी भी नहीं खाया है, तो ट्राई कर। मैंने एक बार खाया। गाइस आप लोग खुशबू को मत देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, यहाँ पे हम खाएंगे लिट्टी चोखा। थैंक यू सो सो मच। खुशबू की मम्मी हमेशा हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रीट्स देती है। मेरे को दे सकते, मैं गंदा भी अच्छा लगता हूँ। खुशबू प्लीज एनलाइटन मी, इसे कैसे खाते हैं? लिट्टी को तोड़ते हैं। ओके दिस इज लिट्टी। ओ फिर यू हैव टू टेक थोड़ा सा चोखा विद इट, पुट थोड़ा सा चटनी इन इट, and then have a bite. खुशबू की मम्मी को ये बन चुकी है मेरी इडली। अभी थोड़ी और मैंने रखी है कुकर में। आज का सांभर तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, एंड आई एम श्योर कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। आज के सांभर में मैंने डाली है बहुत सारी गाजर, मैंने डाली है ब्रिंजॉल, गवार, भिंडी, पम्पकिन, प्याज, बहुत सारी चीजें हैं, ड्रमस्टिक्स भी है। ये बन चुकी है मेरी चटनी, कोकोनट चटनी। इस चटनी को मैंने टेम्पर नहीं किया है, मतलब भगाड़ नहीं दिया है। इसमें बस बहुत सारा कड़ी पत्ता, कोथमीर, अदरक, थोड़ा सा इमली, नमक एंड मिर्चे। आज की जो मेरी ये कोकोनट चटनी है ना, मेरे करियर की मुझे सबसे अच्छी लगी ये कोकोनट चटनी, मतलब हाँ मेरे करियर की सबसे बेस्ट कोकोनट चटनी बनी है। इसको मैंने बगाड़ नहीं दिया बिकॉज कुनाल डजन लाइक इट टेम्पर्ड, बट इसका टेस्ट इतना अच्छा है, जो आफ्टर टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का, बहुत ही यम है। एंड आई एम रियली मिसिंग माई मदर इन लॉ बिकॉज शी रियली लव्स ऑल दिस स्टफ, इडली, सांभर एंड द कोकोनट चटनी। आंटी आप मेरा व्लॉग देख रहे हो और ये सब खाने पीने की सामग्री देख के आपको मेरी बहुत याद आ रही है, आई नो दैट, एंड मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। मैं जब भी आपका कोई भी फेवरेट डिश बनाती हूँ, मुझे सुबह से ही आपकी याद आने लगती है। हमला अगर आंटी हमारे साथ होते तो बहुत ही शौक से खाते। एंड बिलीव इट और नॉट, आज की जो कोकोनट चटनी है वो इतनी यम बनी है, इसका जो आफ्टर टेस्ट है मतलब बहुत ही यमी है। लिटिल बिट ऑफ चिली, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी खट्टी, कड़ी पत्ता टेस्ट, सो सो यम। एंड कुनाल अभी तैयारी कर रहा है अपनी पूजा की, एंड कुनाल मैं फिर से तोतली हो गई हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं थोड़ा थोड़ा तोतली स्टाइल में क्यों बोल रही हूँ। ये है मेरी इडली सांभर एंड बहुत ही यमी कोकोनट चटनी। आई मीन मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, आज की ये चटनी तो बहुत अच्छी बनी है। अब बहुत हो गई है तारीफें, मैं डिग इन करने वाली हूँ इन माय यमी बोल। मुझे लगता है मुझे ही मेरी नज़र लग जाएगी, बहुत टेम्पटिंग एंड खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कुनाल तुमको कैसी लगी आज की इडली सांभर चटनी? बहुत टाइम के बाद बनाई हमने। 8 इडली खाई है मैंने। नहीं कैसी लगी, मैंने सवाल ये नहीं था कितनी खाई है। मच बेटर देन आउटसाइड एनीवेयर। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। यम, इट वाज रियली नाइस। चलिए जी अब आई विल हैव माय डिनर, नो आई विल हैव माय लंच, उसके बाद शाम को जाएंगे कुछ शॉपिंग करने। कल का काम जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा करेंगे। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक गाइस, शाम हो चुकी है, इट इज ऑलमोस्ट 7 o'clock, एंड आज हमारा प्लान था, कल प्लान था टू गो फॉर शॉपिंग टू बाय सम गिफ्ट्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि नहीं हो सका। तो हमने डिसाइड किया कि हम शॉपिंग का प्लान, कुनाल मैं जब भी व्लॉग करती हूँ यू कीप डूइंग खुड़खुड़ खिड़खिड़ विद समथिंग। खिड़खिड़ में खा रहा था यार, हेल्दी मैक्स प्रोटीन ब्राउनी। स्पॉन्सर्ड नहीं है वैसे, बोल रहा हूं मेरे को अच्छी लगती है। या ही लव्स इट बट समहाउ आई डोंट लाइक इट। तो हमारा जो शॉपिंग का प्लान था कल का, हमने पोस्टपोन करके आज के लिए रख दिया। सो आई एम वेरी श्योर कि आज भी बहुत ट्रैफिक मिलने वाली है। 7 बज चुके हैं एंड हम लोग रेडी हो चुके हैं टू गो फॉर शॉपिंग, एंड ये रही हमारी दिवाली लाइट्स, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कुनाल हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब एज ऑलवेज, कितना मैजिकल लग रहा है गाइज। हम दोनों ही लाइट्स को बहुत पसंद करते हैं, वी लव दैट आवर हाउस हैज डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग्स। कुनाल प्लीज ग्रेस द फ्रेम, यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब। एंड इस बार तो मेरे पास सेकंड करियर ऑप्शन है, इलेक्ट्रिशियन बन सकता हूँ मैं। नो नो बट दिस टाइम यू हैव डन दिस ऑल बाय योरसेल्फ, मतलब मैंने एक सेलो टेप भी काट के नहीं दी, यू हैव डन अ स्प्लेंडेड जॉब, थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो एक थंबनेल ले लेते हैं।
नाल हर वक्त तुम मेरे लिए चाय लाते हो, आज मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए चाय। थैंक यू। आज टायर्ड की फीलिंग हो रही है ना, टायर्डनेस। तो तुमने काम किया बहुत। आज मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे टायर्ड फीलिंग हो रही है, मतलब बॉडी इज आस्किंग टू रेस्ट। बहुत आई एम जस्ट फीलिंग रियली लो एंड टायर्ड, ऐसा लग रहा है बस बिस्तर में थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। बट आज जाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिवाली के लिए बस 2-3 दिन ही रह गए हैं एंड लास्ट मिनट पे कोई रशिंग नहीं करनी है। और ये व्लॉग आएगा दिवाली के बहुत दिन के बाद। हाँ, दिवाली के आई थिंक हफ्ता भर के बाद आएगा, बिकॉज मेरे पास काफ़ी बैकलॉग है तो मुझे वो एडिट करके पोस्ट करना है। तो कल का प्लान ये है कि कल मैं अपना पूरा दिन एडिट में डालूंगी। आई ट्राई एंड एडिट एटलीस्ट 2-3 व्लॉग्स, दैट इज़ द प्लान। इसीलिए आज मैं बाहर का सारा काम है, जो भी शॉपिंग है वो आज कंप्लीट करना चाहती हूँ। कल भी थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग है बट वो बहुत जल्दी हो जाएगी। एनीवेज, लेट्स हिट द रोड।